शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ड्रामा करने का बहुत शौक है ना तुम्हें काव्या? इंटरवल के बाद का ड्रामा घर चल के माँ के सामने करना। खबरदार अगर मुझे दोबारा छूने की कोशिश भी की तो। अरे ये तो कुछ भी नहीं है अम्मा जी, आजकल तो दोनों के दोनों हवेली से हाथ पकड़कर बाहर जाते हैं और हाथ पकड़कर ही हवेली में आते हैं। इस बार मैं अपने प्यार को पाकर ही रहूंगा और ये करने में मुझे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि प्यार और जंग में तो सब जायज है ना। इसलिए अब मैं अपने प्यार को पाकर रहूंगा। कुणाल के कहने से कुछ नहीं होता। तुम मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा थे, हो और हमेशा रहोगे। मैं जानता हूँ काव्या। आयुष्मान, कुणाल क्या? दुनिया का कोई भी इंसान हमारे बीच नहीं आ सकता, हमें दूर नहीं रख सकता, क्योंकि हमारा रिश्ता ही ऐसा है। मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी, तुम खुद भी चाहो तब भी नहीं। तुम तो मेरे दिल में हो काव्या, फिर मैं तुमसे दूर कैसे जा सकता हूं? हाँ काव्या, मैं तुमसे दूर कभी नहीं जाऊंगा। एक मिनट आयुष्मान, सर में ना बहुत जोर से दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा तुमसे बाम ले ले, पर ठीक है, तुम अगर किसी इंपॉर्टेंट कॉल पर बिजी हो तो कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। हेलो, क्या हुआ काव्या, सब ठीक तो है? ठीक है, पता नहीं चाची जी मेरे दरवाजे के पास खड़ी थी, मुझे ऐसे ही मैंने दरवाजा खोला, वो कुछ बहाना करके वहां से निकल गई। काव्या, उस हवेली में तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा। जानती हूँ आयुष्मान, खैर वो सब छोड़ो, तुम कल हल्दी में टाइम पर आ जाना। वैसे एक बात पूछूं काव्या? हाँ पूछो। क्या कुणाल के जुर्म को साबित करने के लिए शादी के अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है? अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ती कुणाल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए, तो मैं शादी की जगह अपनी जान देना ही चुनती। पर जान देने के बाद भी मुझे कुणाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने वाला, इसलिए मुझे अपने दिल पर पत्थर रखकर इतना बड़ा फैसला लेना पड़ रहा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो खुद अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल करे। इसलिए शादी के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आयुष्मान, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये मेरा शादी का फैसला स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, पर आयुष्मान तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। जैसे मैंने अपने मन को मना लिया है, तुम्हें भी वैसे ही मनाना होगा, क्योंकि अब यही सच है। ठीक है काव्या, कल मिलते हैं। कल देर मत करना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।
मुझे अपनी जान भी देनी पड़ती तो मैं शादी की जगह अपनी जान देना ही चुनती। पर जान देने के बाद भी मुझे कुणाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने वाला। मुझे माफ कर देना काव्या, क्योंकि अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी। अब इस रिकॉर्डिंग के जरिए मैं तुम्हारी शादी रोकूंगा और कल हल्दी में करूंगा तुम्हारी शादी करने की असली वजह का खुलासा। अरे चिल करना, अभी तेरी माँ आ जाएगी। चिल करूं डैड, चिल करने का टाइम है। आप दोनों यहाँ बैठकर आराम फरमा रहे हैं और आपकी वजह से आज मैं पकड़ी जाती, बाल बाल बची हूँ। एक बात बता मेनका, सारी बातों का दोष मुझ पे क्यों डालते रहती हो? तो फिर किस पर डालूं? पता नहीं, बट नॉट ऑलवेज मी। अरे मॉम डैड प्लीज, अब जब देखे दोनों लड़ाई करते रहते हैं। माँ कुछ पता करने गई थी ना, ये बताइए कुछ पता लगा आपको? पता तो कुछ नहीं लगा, पर वो काव्या आयुष्मान से फोन पर कुछ बात कर रही थी। अब क्या बात कर रही थी वो मैं सुन नहीं पाई। काव्या फिर से आयुष्मान से बात कर रही थी? चलिए कोई बात नहीं, ले लीजिए केमिकल। कल हल्दी की रस्म है, काव्या के घर से जो हल्दी आने वाली है उसमें आप इस केमिकल को मिला दीजिएगा। उसके बाद इस काव्या का सारा खेल खत्म। डोंट वरी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो ठीक है, कल हल्दी की रस्म के लिए आप दोनों को भी ऑल द बेस्ट। रखिए, अरे भैया क्या कर रहे हैं, इन फूलों को उस कोने में थोड़ा अच्छे से लगाइए ना, अच्छे से। हाँ थोड़े ज्यादा फूल लगाना। चलो जाओ। हाँ देखते हूँ। अरे नमस्कार पंडित जी। नमस्ते नमस्ते। सारी तैयारियाँ अच्छे से हो गई है, सब संभाले हैं, ठीक है? आप निश्चिंत रहिए पंडित जी, आप हल्दी की तैयारियाँ देखिए ना। अरे जाओ। अरे दीदी देखिए ना कैसी हुई है डेकोरेशन, ये यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है और वहां पर भी है ना, बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई है। अगर कोई कमी रह जाए तो प्लीज बता दीजिएगा। इतने मन से तैयारियां की हैं तुमने, कमी कैसे रहेगी, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। दीदी एक बात कहूं अगर आप बुरा ना माने तो? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, बोलो। देखिए ना हमारी हवेली में इतने दिनों के बाद कोई शुभ कार्य होने जा रहा है, काश इस सब में अम्मा जी भी शामिल होती तो कितना अच्छा होता। अब शादी ब्याह के मौके बार बार थोड़ी ना आते हैं, है ना? तुम ठीक कह रही हो, पर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे दीदी आप अपनी तरफ से कोशिश तो कीजिए, अपना धर्म तो निभा कर देखिए। अब अम्मा जी भड़कती हैं तो भड़कने दीजिए, आप एक बार ट्राई तो कीजिए, क्या पता अम्मा जी का दिल पिघल जाए, है ना?
तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं अभी आती हूँ। मैं तो हमेशा सही कहती हूँ। बात बन गई। गायत्री अम्मा जी को मनाने गई है। चलिए चलकर ड्रामा देखते हैं। चलो ड्रामा। आइए आइए। काव्या की शादी वहीं होगी जहां हम कहेंगे। नहीं गायत्री, तुम्हें अपने मोनू के लिए करना होगा। अम्मा जी, कुणाल और काव्या की हल्दी है आज। अगर आप नीचे आके बच्चों को आशीर्वाद दे देती तो वो दोनों मर जाएंगे। क्योंकि हमारे मन में उन दोनों के लिए जहर है, सिर्फ जहर। नीचे हल्दी के बहाने हमारे खानदान पर जो तुम काली पोतने जा रही हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। निकल जाओ यहां से, जाओ। दीदी, आप अपना मन छोटा मत कीजिए। आप देखिएगा, अम्मा जी एक ना एक दिन इस रिश्ते को जरूर अपना लेगी। कम से कम आपने अपना धर्म तो निभाया है, एक कोशिश तो की। आप हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? क्या हुआ माँ? आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? भवानी जी ने कुछ कहा है आपसे? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपका चेहरा देख के तो ये नहीं लग रहा है। जरूर भवानी जी ने कुछ तो कहा है माँ आपसे। मैं ना भाई, कुछ नहीं कहा है मुझे। तो अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? काफी रेडी हुई क्या? मैं देख कर आती हूँ। आज तुम्हारी हल्दी है, मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ बस। जाओ, तुम जाकर रेडी हो जाओ, मैं काव्य को दिक्कत रहती हूँ। सही जा रहा है। गुड, नाउ लेट्स गो। चलो चलो चलो।
अच्छा सजा है पार्वती जी। बहुत अच्छा। बेटा कितनी प्यारी लग रही, इतनी सुंदर। तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। मैं बता नहीं सकती बेटा, आज मैं कितनी खुश हूं। काव्या, बेटा आज के दिन तुम्हारे चेहरे पे खुशी, तुम खुश नहीं हो शादी से? मैम आपके मम्मी पापा हैं नीचे हल्दी लेकर। ठीक है, उन्हें नीचे बिठाओ, मैं बस आती हूँ। जी चलो, हम दोनों मिलके उनका स्वागत करते हैं। आजा, आजा। नहीं, आपको आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अब तक तैयार भी नहीं हुई है, आप रेडी हो जाइए, मैं देख लेती हूँ उन्हें। माँ, आपको पता है ना कि भवानी जी के दिल में आपके लिए कोई इज्जत नहीं है, तो वहां जाने की क्या जरूरत थी माँ? बेटा ना, शांत शांत शांत, पहले बैठो फिर बात करते हैं। मुझे नहीं बैठना। अच्छा शांत तो हो जा, और जिन्हें तुम भवानी जी कह रहे हो ना, कोई गैर नहीं है, मेरी सासू माँ है, तुम्हारी दादी माँ। लेकिन माँ, जो भी आपका अपमान करेगा या जो आपसे नफरत करेगा, मेरे दिल में उसके लिए कभी कोई इज्जत नहीं हो सकती। नहीं बेटा, वो हमसे नफरत नहीं करती हैं, बस गुस्सा है हमसे। अगर उनकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती, हमसे अनजान है ना वो। पर तुम चिंता मत करो, उन्हें थोड़ा वक्त दो, वक्त के साथ धीरे धीरे वो खुशी खुशी हमें अपना लेंगी। माँ, मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं। बात समझ। एक बार तुम्हारी हल्दी है और मुझे तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ खुशी देखनी, गुस्सा नहीं। अब तुम जल्दी से जाके तैयार हो जाओ, मुझे भी तैयार होने दो, पंडित जी आ गए हैं।
चेहरे पर आप खुशी देखना चाहती है तो आप ये सफेद साड़ी नहीं पहने। और बेटा नहीं माँ, प्लीज आज आपको ये साड़ी पहननी होगी। मैं ये साड़ी कैसे पहन सकती हूँ? लोग क्या कहेंगे? एक बात बताओ, आपको लोगों की खुशी ज्यादा प्यारी है या फिर मेरी? अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप सफेद साड़ी पहने तो फिर मैं भी सफेद कपड़े ही पहनूंगा। बोलो, मंजूर है आपको? नहीं बेटा। नहीं तो फिर आज आपको यही साड़ी पहननी होगी। लीजिए, चलिए अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं भी तैयार होता हूं। काव्या, प्यारी लग रही है। ये आपके हाथ में क्या है? ये शगुन की हल्दी है बेटा, तुम्हें लगेगी। गायत्री जी ने हमें फोन पर ही बता दिया था काव्या। उनके परिवार के रीति रस्मों के हिसाब से लड़की की हल्दी लड़की के मायके से आती है। मुझे पार्वती के हाथ में डोंगा देख रहे हो? उसी में हल्दी है। तो सब ठीक है, पर अगर ये डोंगा पकड़ के रखेगी तो केमिकल कैसे मिलाएंगे? आप टेंशन मत लीजिए, पंडित जी किसी ना किसी रस्म के बहाने ही डोंगा नीचे रखवाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। आपके पास केमिकल रखा है ना? जैसे ही मौका मिलेगा हल्दी में मिला दीजिएगा। डोंट वरी, ये केमिकल मेरे ही पास है। तक तूने इतना बर्दाश्त किया है तो थोड़ा टाइम और सही। मेरा पार्सल अभी तक आया क्यों नहीं? जल्दी भेजो उसे। काव्या, काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।